हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और चोले की सब्जी, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है, ये है चोली, हम इसे चोली कहते हैं। कुछ लोग इसे चोले की फली भी बोलते हैं और कुछ लोग लोबिया की फली भी बोलते हैं। तो ये है आलू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियां। इस दोनों को हम कद्दूकस कर लेंगे और हरी मिर्च और टमाटर को हम बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे और आलू का भी हम टुकड़ों में कट कर लेंगे और चोली को हम ऐसे ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हम निकाल लेंगे और इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे, इस तरह। तो यहाँ मैंने ये चोली को ऐसे टुकड़ों में कट कर ली है और अच्छी तरह से वॉश भी कर ली है और ये आलू को भी मैंने ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है और वॉश भी कर लिया है। ये है हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है मैंने और ये तीन कली मैंने ऐसे ही रखी है और ये है बारीक कटाई हुई हरी मिर्च, कटा हुआ टमाटर, ये हींग, राई, जीरा, नमक, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेस्पून राई। टेस्पून जीरा और 1/2 टेस्पून हींग और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे आलू और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई चोली और स्वाद अनुसार नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ 3 मिनट हो चुकी है, तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो वापस 3 मिनट हम ऐसे ही ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो ये देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 6 मिनट हमें इसे पकाया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और फिर से ढक्कन लगाकर 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारी चोली और आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने इसमें पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर भी कितना प्यारा आया है और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।